Hey guys, good evening. So welcome back to our other blog. So guys, आज का जो ब्लॉग में है बहुत ही धमाल होने वाला है, क्योंकि आज हम कैसे बताएंगे कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा हम लोग को। और उपासना देखिए यहाँ पे कैसे रेडी हो रही है, दिखाइए अपना, ये देखिए गाइस उपासना कैसे रेडी हुई है। तो गाइस आज फाइनली मौका है सचिन भाई और मनीषा से मिलने का, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनसे मिल पाए। उनके भाई का रिसेप्शन है, सो क्या भगवान पैलेस में तो मैंने कभी नहीं देखा, रो देखे हुए हैं, तो हम लोग जा रहे, कोशिश करेंगे कि पूरा अच्छे से उनसे मिल सके। बहुत टाइम से मेरा मन था मिलने का, तो अरु आज ही आए हैं पटना से, तो इनको भी पता चला है कि वैसे ब्लॉग देखते तो हम लोग को भी पता है, तो ये सडनली बोलने लगे कि चलो आज तुमको मिलवा देते, हम लोग मिल के आते हैं सचिन भाई से। सो मैं फटाफट रेडी हो जा रही, क्योंकि टाइम 7:30 होने वाला है, सो फटाफट रेडी होके मैं और अरु निकलते हैं, तो आपको भी दिखाते हैं। तो चलते हैं गाइस। और ये हम लोगों ने बुके लाया है उनको एक बेस्ट विशेस करने के लिए, तो ये सब प्लानिंग है हमारी, हम जा रहे हैं अभी, मिलते हैं आपको वहाँ पे। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच गई हूँ जहाँ पे रिसेप्शन हो रहे हैं, ये पीछे का जो लोकेशन है भगवान पैलेस। सो अभी जग भी आया भाई अभी फाइनली पहुंच गई तुम, अब क्या करना है तुमको? अभी ढूंढेंगे, ढूंढेंगे ऑफिस करके निकल जाएंगे, ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ कब तक मिलते हैं, राइट। तो फ़ोन करके बुला रहे हैं, फिलहाल इन लोग सब लोग आ चुके हैं। ये सचिन जी के कजन है, काफी ज्यादा हेल्पफुल पर्सन है ये भी। हमारा YouTube में सचिन भी बनाते तो हम भाग जाते हैं। क्या नाम है? कितिक।
आंटी जी का ब्लॉग देखते हैं लोग, क्या बोलती है आंटी जी हम महादेवा भी घर है हम लोग अभी नहीं बसती महादेवा, ओम प्रकाश सिंह जो है ना उनके घर के पीछे ही प्यारा लग रहा है बहुत ही दोनों सौ से ही नाम है दोनों लोग बहुत ही रंजना 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 बाकी इधर सब लोग हैं बहुत सारे ब्लॉगर लोग यहाँ पे यूट्यूबर लोग आए हुए हैं तो सचिन भाई भी अपना ब्लॉग शूट कर रहे हैं सबसे आगे खड़े हैं बाकी मैं मिल रही हूँ सबसे बस रुको मिलना है सचिन भाई से तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं पूजा से भी मिली हूँ आंटी से भी मिली हूँ सचिन भाई से अच्छे से नहीं बात हो पाया बहुत ज़्यादा बिजी हैं वो हाँ बहुत बिजी हैं सो वैसे रू को मिलना था बहुत मन था सचिन भाई से मिलने का पर हम लोग नहीं मिल पाए हैं रू स्पेशली फिर कभी मिल लेंगे ओके इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि हम लोग मिल लेंगे और बहुत ही अच्छा लगा वेल चलते हैं घर घर चल के फिर आपको बताते हैं सब बात करते हैं बड़ा मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है बहुत हाँ वेल गाइस अभी मैं चल रही हूँ घर घर से फ़ोन आया था बाबू रो रही हूँ नहीं तो अभी बोलेंगे भैया लोग हम लोग बाबू है ना बाबू को छोड़ मेरी 4 महीने की बेटी है तो छोड़ के उसको आए हैं 5 मिनट लगेगा नहीं बाबू नहीं बोलेंगे बस हम लोग मिलना था हम लोग से मिल लिया नहीं लेट हो रहा है बोलिएगा बोलेगा वो लोग बोलेगा कि खाली होंगे ऐसे बोलिएगा ऐसे सचिन भाई से इनको बहुत मिलने का मन था लेकिन टाइम उनके पास बहुत कम है बहुत बिजी तो कोई बात नहीं सचिन भाई भी बोले फिर भी बोले हाँ अभी बार बार ये लेके जा रहे हैं थोड़ा जिम्मेदारी उनके पास देख रहा हूँ अभी उसके लिए अभी पता नहीं वही बोल रहे थे कि खाना वाना खा के देखिए आपको देखा जाते हो इससे आया खाना भी ना खा लीजिए नहीं बाबू नहीं लेट हो रहा है लेट हो रहा है फिर कभी अभी क्या है कि अब नेक्स्ट टाइम पता नहीं कब मिलेंगे ना हाँ वो नहीं पता था कि कब मिलेंगे इसीलिए हम एकदम भागे भागे ये पटना थे तो इनको पटना से ये दौड़े दौड़े आए हैं स्पेशली इनको बुलाया मिला हेलो तो किया मैंने बट बेचारे बिजी है मोबाइल लेकर ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं
नहीं बहुत अच्छा लगा। वैसे मैंने आंटी से भी मिली, मनीषा से भी मिली और पूजा से भी मिली, मतलब फैमिली पूरे फैमिली मेंबर से, अंकल से सबसे पहले मिली हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। वही देख रहा था खाना खा के जाते हैं। चलो क्या करना है। आपका नाम? आशीष। आशीष थैंक यू सो मच। आशीष बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए थैंक यू भाई। चलो 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 तो गाइस फाइनली मैं घर आ गई हूँ और सोना को भी ले लिया है और इतना ज़्यादा खुशी हो रहा है ना कि मतलब एक जैसा लग रहा है कि एक ड्रीम पूरा हो गया है मेरा। बहुत टाइम से सोच रही थी मिलने का और मतलब एकदम एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मतलब इतनी अच्छे से मैं सब से मतलब मिल पाऊँगी। और सचिन मनीषा से मिल ली, आंटी से मिल ली, पूजा से मिल ली और प्रिंस भाई और रंजना भी एंट्री कर रही थी तो कर रहे थे लोग, तो उस टाइम भी उनसे हाय हेलो हुआ है तो रिस्पॉन्स दिए तो बहुत ही अच्छा लगा उन लोगों से मिल के। और फिर अमित भाई और किट्टो से भी मिली, उनके बेबी से भी मिली, बहुत ही प्यारा बहुत क्यूट है। तो मतलब बहुत इतना अच्छा फील हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना अच्छा है, मतलब अंदर से एकदम खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई है उपासना यहाँ पे और आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोगों ने इतना अटेंशन दिया हम लोग को ना। और अच्छे से हुआ, मीट टुगेदर सबसे हुआ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हम लोग को। और सडनली अभी बाबू का भी थोड़ा सा तबियत, इसका थोड़ा सा खांसी वगैरह है तो मेरा मन ये थोड़ा सा छोटा हो गया था कि मतलब इसको छोड़ के जाना, मतलब तबियत खराब ज़्यादा कहीं हो जाए तो, लेकिन अचानक से बस रू जाने वाले थे, रुको बोली थी तुम जाके मिल के आ जाओ, अब बोल देना कि मैं उन लोगों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, सब कुछ बोल देना। लेकिन सडनली फिर रू रेडी ही हो गए थे और फिर मैं अचानक से मैं बोली कि नहीं मुझे जाना चाहिए, ये मौका मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ। सो फटाफट मैं मतलब एकदम से आधे घंटे में रेडी होके बाबू को दीदी के पास देखे मैं फटाक से निकल गई और जब गई तो एकदम से मतलब बहुत सबसे मिली, बहुत ही अच्छा लगा। वेल घर आ गई हूँ और 9:00 हो रहा है, खाना मैंने बनाया नहीं है, सारे बच्चे भूखे हैं, सब बोल रहे मम्मा भूख लगी है और ये दोनों भी। सो अभी मैं फटाफट चेंज करती हूँ और किचन में लग जाती हूँ और बाबू को भी तो देखना है ना। सो गाइज थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सबको ही जो जो मतलब उन सबसे जो मिल लिया मैंने, बहुत खुशी हो रहा है मुझे। और होप कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, थैंक।